खेसारी से भी ज्यादा भीड़ जुटाई रैली में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जी। इन दिनों आप जान रहे हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल है, और ऐसे में जब कोई सुपरस्टार हेलीकॉप्टर से उतर रहा है रैली करने के लिए, तो उसे देखने के लिए बिहार में लाखों भीड़ जुट रही है। वैसे रैलियों का शुभारंभ दिनेश लाल यादव निरहुआ से पहले खेसारी लाल यादव कर चुके हैं, लेकिन अब खेसारी लाल यादव से भी ज़्यादा अगर रैलियां कोई कर रहा है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में उतर चुके हैं मनोज तिवारी के साथ। अगर पवन सिंह होते तो पवन सिंह भी यहां साथ देते, लेकिन पवन सिंह अनफॉर्चुनेटली लंदन में हैं, और ऐसे में मनोज तिवारी का साथ देने उतरे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप तो जानते हैं कि पिछले साल दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार कर चुके हैं और चुनाव लड़ भी चुके हैं, और ये बात और है कि उस चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन अखिलेश यादव की रातों की नींद हराम कर दी थी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। खैर, आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में अंजना सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और अक्षरा सिंह फिलहाल ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, और सुनने में आ रहा है कि आम्रपाली दुबे भी अब उतरेंगी रैलियों में। यानी कि पहली बार बिहार की रैलियों में भोजपुरी अभिनेत्रियों को उतारा गया है। जी हाँ, यूपी की रैलियों में भी नहीं उतारा गया था, पहली बार भोजपुरी की अभिनेत्रियों को उतारा गया है, और ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी अभिनेत्रियों के लिए। हम आपको बता दें कि इन लोगों को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और इन्हीं के कारण भीड़ जुट भी रही है इन्हें देखने के लिए। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, और साथ ही किस पार्टी के साथ हैं आप, जी हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।